चलो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हसल शून्य तीन की तरफ से। तो हसल शून्य तीन के आज के एपिसोड में हमको देखने के लिए मिली बैटल्स, और जो गौस और उदय वाली बैटल थी उसमें उन्होंने एक दूसरे को डिस किया हुआ था ऐसे ही मस्ती के लिए। लास्ट में उन्होंने हाथ भी मिलाए, दोनों गले भी मिले, और गौस ने अपनी परफॉर्मेंस में जो रफ्तार की एक क्लिप थी, पहले आप ये देख लो। देश से निकालने की बात करेगा ना तो सामने गोली खाऊंगा बहन। तो इसी पर एक लाइन बोली हुई थी कि रफ्तार भाई जैसे चढ़ता मैं स्टेज पे और सरेआम करता मैं भयानक की सूट। बाकी उदय ने अपनी एक परफॉर्मेंस में जो इंग्लिश का लॉन्गेस्ट वर्ड बोला हुआ था वो गॉस भी बोलने वाले थे, पर वो फंबल हो गए। बाकी कल हमको पता लगने वाला है कि कौन फाइनल में जा रहा है और कौन नहीं। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज है वो आ रही है कृष्णा की तरफ से। जो मुक्ता के हैं वो अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आई हुई थी, और उसमें उन्होंने कृष्णा के बारे में क्या कहा हुआ है आप खुद देख सकते हो। यार ये मुझे तुम कृष्णा, अब तो मैं उसको भाई बोल देती हूँ। चलो कृष्णा भाई के नाम से चिढ़ा था, छोड़ दो यार, कब छोड़ोगे। बिना वजह का कुछ भी तुम लोग चालू कर देते हो, कुछ भी कमेंट्स करना। मेरा बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी, वो जो खुद भी रैपर तो मुझे इसके उसके नाम से चिढ़ाना बंद करो। मुझे बोलना था जो गुलाब के बारे में, वो मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी, और मैंने खुद आज स्टोरी पे भी डाला था, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि हर आर्टिस्ट की एक प्राइवेसी होती है, किसी का पर्सनल कुछ ज्यादा रिवील नहीं करना चाहिए। और ऐसा होता है ना कई बार कि अगर कुछ बहुत बड़ा आ रहा है तो लोगों की समटाइम्स देयर आर पीपल जो बैड आईज भी लगा देते हैं, तो दैट्स व्हाई आई डिलीटेड दैट स्टोरी। साथ ही काम भारी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फ्री स्टाइल वीडियो डाला हुआ है, और उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा हुआ था ईपी इन प्रोग्रेस। साथ ही हमारे भाई रॉस का भी एक नया ट्रैक रिलीज हुआ है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।